हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मंसूर लाए हूँ आपके लिए आज की ताज़ा खबर, और आपका स्वागत है हमारे चैनल ER मंसूर अहमद में। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपको बता दूं कि यूपी से एक न्यूज़ आ रही है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो सभी NSDL एड हो या जितने भी बेरोज़गार हैं, बेड वाले हो, NSDL एड वाले हो, कोई भी हो, सभी के लिए है। उसमें NSDL एड ने यूपी में ये मुद्दा उठाया है कि हम सर एक साल से बेरोज़गार हैं और हमारी तनख्वाह 5, 6, 7, 8 या 4 हज़ार तक होती है, और हमें अपने घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है। और इसमें उनका मुद्दा यह है कि जब एक साल से स्कूल बंद है तो हम घर का खर्च कैसे उठाएं। उसी खर्च पर हम बच्चों का खर्चा उठाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी का जो बिल आता है वो देते हैं। क्या ये बेरोज़गारी में पॉसिबल है? आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कितनी मजबूरी है। और इसमें सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया है लेकिन किसी की भी सहायता नहीं कर रही है। आपको पता ही है कि इस लॉकडाउन में बहुत लोगों का रोज़गार भी छिन गया है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, वैसे तो सभी को नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो प्राइवेट स्कूल वाले को है। क्योंकि जो मैनेजर होता है, मालिक होता है, वो तो पूरी फीस लेता है बच्चों से, लेकिन अगर घर से ये ऑनलाइन भी करवाते हैं, ऑनलाइन भी बंद है, जब मैनेजर ही कहाँ से देगा जब उसके पास कोई भी साधन नहीं होगा, उसके पास कोई रोज़गार, बच्चे मतलब फीस नहीं देंगे तो कहाँ से होगा। तो इस स्थिति में वहाँ के लोगों का मुद्दा यह है कि हम अपना बिजली बिल कैसे भरें, अपने बच्चों का खर्चा कैसे उठाएं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारा जो बिजली का बिल है उसको भी माफ़ किया जाए, दूसरा हमारी आर्थिक सहायता की जाए, और बिजली का बिल हुआ, ये सब चीज़ें माफ़ की जाए और आर्थिक सहायता सभी को प्रदान की जाए, जिससे हम अपने घर का रोज़गार चला सकते हैं। आपको पता ही है कि सारे कॉलेज स्कूल बंद होने की वजह से जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनके दिलों से पूछो कि क्या कंडीशन चल रही है, उनके घर का खर्च कैसे चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं। इधर उधर से मेरे पास आया है, बोल रहे हैं कि सर वीडियो बनाइएगा और लोगों को जागरूक कीजिएगा कि उत्तराखंड में भी ऐसे ही सरकार से बात रखें। जैसे यूपी में उन्होंने लेटर भी लिखा है, ट्विटर पर अभियान भी चला रहे हैं, और उन्होंने मंत्री को भी लेटर लिखा, और जो उनके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी उन्होंने लेटर लिखा है कि सर जितने भी शिक्षक हैं प्राइवेट वाले उनकी आर्थिक सहायता की जाए। आपको पता है सभी की कंडीशन ख़राब है अभी, और ऐसे ही उत्तराखंड में भी ये हो सकता है कि यदि सभी लोग मिलकर के ट्वीट अभियान चलाया जाए या लेटर किसी भी तरीके से, जो भी आपका संसाधन हो उस तरीके से उनको लेटर आप दे सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी प्राइवेट टीचर है वो दिक्कत में तो है ही है, लेकिन इसमें लॉकडाउन में जो मज़ा आ रहा है उन लोगों का आ रहा है जो मैनेजर है बड़े बड़े कॉलेज के, क्योंकि उनकी एक तो सैलरी बच रही है और पूरी फीस बच्चों से ले रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में बताएं कि आर्थिक सहायता के लिए सरकार से गुहार लगाएं। धन्यवाद।